हेलो, आप सब लोगों का हिंदी किस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में एक कहानी पढ़ रहे थे, स्नेहबंध। मालती जोशी कहानीकार है। किताब हमारे पास है नहीं, मार्केट में किताब उपलब्ध नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी। ये कहानी मैंने नेट से पढ़ी और एक वीडियो इसका मैं आप लोगों के लिए डाल चुकी हूं यूट्यूब पर। लगभग आधी बातें हमारी हो गई थी कि कहानी में एक युवा आर्किटेक्ट लड़की और उसके ससुराल जाने को लेकर हमारे सामाजिक ताने बाने को बताया गया था। इसके अलावा भी कुछ कहानियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई है जो मेरी खुद की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में अलग अलग किताबों में, पुरानी किताबों में मिल गई। स्मृतियों में पिता ऐसी ही एक कहानी है जो मैंने आप लोगों के लिए पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से तैयार कर दी, लेकिन मार्केट में जो नई किताब आएगी वो शायद हम लोगों को नेक्स्ट ईयर, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे जो इस वर्ष 12th में है उनको मिलेगी। आप लोगों के एग्जाम के लिए मुझे अपनी तरह से पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि पाठ्य सामग्री भी मुझे देनी पड़ेगी और उनको व्याख्या, छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी। वापस आते हैं स्नेहबंध कहानी की तरफ। मैत्रेयी, जिसको प्यार से मीतू बोलते हैं, वो आती है अपने होने वाले पति के साथ ससुराल शादी के पहले, और ध्रुव जो उसका पति है वो अपने माँ बाप से मिलवाता है। ध्रुव की माँ जो कहानीकार है और अपने आप को सास की भूमिका में रखते हुए अपने को ही कसौटी पे कस रहे, इस कहानी में हमें ये ध्यान रखना है कि वो किस नजरिए से, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी बहू को देखती है। पहले ही स्टेप पर, दहलीज पर ही बहू को उन्होंने कपड़ों से पहचानने की कोशिश की कि ये लड़की कैसी है। और मैं फिर कहूंगी कि कपड़ों से इंसान का पता नहीं चलता। अगर कपड़ों से इंसान का पता चलता तो बड़े बड़े साधु संत, मौलवी, मौलाना, फादर ये बलात्कार, यौन शोषण के जुर्म में कभी पकड़े नहीं जाते। बहुत आधुनिक पोशाक पहनने वाले लोग खुले दिल के हो सकते हैं, तंग कपड़े पहनने वाले लोग खुले दिल के हो सकते हैं, और ढीले ढाले चोगे पहनने वाले लोग बहुत बंद दिमाग, कूढ़ मगज, शोषक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। लेकिन एक सोच का पैटर्न बना हुआ है कि जो चुस्त कपड़े पहनती हैं वो लड़कियां बदतमीज होती हैं, सेवा भावी नहीं होती और आधुनिक होती है। आधुनिक होना, याद रखिए, माइनस पॉइंट माना जाता है हमारे समाज में। और मीता की छवि वैसी ही बन गई थी, लेकिन बाद में बेटे की खुशी को देखते हुए ध्रुव की माँ उस रिश्ते के लिए हाँ भर देती है। बाद में बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। लड़की के पिता, लड़की के भाई भाभी, लड़की के बहन और जीजा और तमाम रिश्तेदार जिस तरह से पीछे पीछे जा रहे थे, जिस तरह से एक सम्मानजनक, एक आह्लादित करने वाला मोमेंट क्रिएट कर रहे थे, उससे मीता की माँ पूरी तरह संतुष्ट, मीता की सास पूरी तरह संतुष्ट हो गई। ध्रुव और शिव ये दो उसके बेटे थे, सविता उसकी बेटी थी। शादी के बाद एक भी नुक्ताचीनी उसकी बहू को लेकर नहीं हुई। उसने सबकी आवभगत की, बहू ने जितने भी मेहमान थे सबके सामने सर झुकाकर बात करना, मान सम्मान करना, सबके बच्चों के साथ प्यार से बात करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, जाते जाते एक भी रिश्तेदार ने शिकायत नहीं की और सबने उसके भाग्य को सराहा कि बधाई है, बहुत अच्छी बहू तुम्हारे घर आई है। उसको इसी बात का डर था, वो ये कबूल करती है कि आज तक वो जिसके भी घर में गई है हर शादी में बहू की बुराई करने वालों में शामिल रही है। मुंह दिखाई के साथ ही उसके शुरू हो जाते थे कहने के अंदाज,
और जो भी लड़की आधुनिक है अपने पति से काम कराती है, बच्चा पति की गोद में खेलने के लिए ये कह के दे देती है कि मेरे अकेले का नहीं है, उन सब का कैसे कैसे उन लोगों ने मजाक बनाया उसको याद है। यानी खुद को उसने कसौटी पे कसा है, अपने को आईने में रख के देखा है कि हाँ एज सास वो कैसी रहेगी। उसने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया दूसरों की बहुओं के साथ, तो दूसरी औरतें भी उसके घर आएगी तो उसकी बहू की शिकायत करेगी, इस बात का उसको डर था। वो मतलब अपने को भी आंकना जानती, अपने को परखा उसने, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। उसका सारा डर निर्मूल निकल गया। उसकी बहू ने, मैत्रेयी ने तमाम डरों को खारिज कर दिया, बावजूद आर्किटेक्ट लड़की होने के, पढ़ी लिखी लड़की होने के, आधुनिक होने के, ये बहुत डर है। पर डेडी छोरी निहाल कौन करे, मॉडर्न लड़की बढ़िया कौन ही होवे, ये चीजें हमारे यहाँ घुट्टी में बैठी हुई है। सीधी सादी लड़की होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब देखिए, एक इंसान को किसी के घर में ढालने के लिए ये तक हम सोचते हैं कि वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है। बड़ी अजीब सी चीज है। आज तक लड़की वालों ने कभी नहीं कहा कि हमको लड़का कम पढ़ा लिखा चाहिए, हमारी बेटी बहुत कमाती है, आपका लड़का तो बस घर गृहस्थी संभाल ले, इतना बहुत है। सुनकर भी हंसी आ रही होगी कि कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती है, किसी लड़की के बाप को क्या ऐसे कहने का हक है। लेकिन लड़कियों के लिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई हमको नौकरी नहीं करानी है, आराम से खाए पिए, घर में रहे, घर संभाले। और दूसरी तरफ हमको लड़की से नौकरी करानी है, और करानी है तो उसके पैसों का हिसाब किताब वो रख नहीं पाएगी। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती, लेकिन भोली होती है। पैसों का हिसाब किताब करने के लिए वित्त मंत्री तो घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर पति होता ही है। बड़ा कड़वा सच है कि पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर ली है, कमा रही है, लेकिन उसको नहीं पता उसकी सैलरी हर महीने कब आ रही है। उसके पास हिसाब किताब के खर्चे के पैसे मांगने से आ जाते हैं, बाकी सारा प्रबंधन परिवार वाले कर लेते हैं। कभी लड़की के बाप ने नहीं कहा कि लड़के से हम नौकरी करवाएंगे और बाद में उसकी पत्नी उसके पैसों का हिसाब किताब रखेगी, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी को बिलोंग करने वाली ये कहानी है। पूरी तरह से सास ने उस कहानी को देखा है। शादी के बाद कुछ दिन मेहमान रहते हैं, उसके बाद वो पति पत्नी यानी नप जब वो जोड़ा घूमने चला जाता है तो अपनी बेटी को वो कुछ दिनों के लिए रोक लेती है कि एक बार तुम रुक जाओ, भाभी भाई नई भाभी के साथ में कुछ दिन बिताने के लिए उसको रोक लेते हैं। 10 दिन मसूरी घूम करके बेटे बहू आ जाते हैं। अगले दिन मीता डाइनिंग टेबल पे खाने की प्लेटें सजा रही है तो सविता उसको देख के हैरान रह जाती है। मीता ने नाइटी पहन रखी है यानी गाउन, जाके अपनी माँ को बोलती है, देखिए एक लड़की को अपने लिए सारी आजादी चाहिए, लेकिन ये है ब्रेन वॉश मेंटल कंडीशनिंग कि वो अपने पियर में आजाद है, ससुराल में नहीं है, तो उसकी भाभी भी पियर में जाके आजादी लेगी। आजादी भी क्या है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, और कौन सा आसमान में झंडे गाड़ने हैं। एक औरत को साड़ी से सूट पे आने में 26 साल लग गए, वो मैं हूं। मतलब साड़ी पहनना इतना संस्कार का काम माना जाता है कि भले ही वो पसंद नहीं आए, भले ही वो कन्वीनियंट नहीं हो, सुविधाजनक नहीं हो, सफर में दिक्कत देती हो, ऑपरेशन में दिक्कत देती हो आपके, लेकिन वो सुंदर लगती है, वो सलीका दिखाती है, तो आप सूट नहीं पहन सकते। अच्छा क्या नहीं ढका रहता, और गाउन में सिर्फ चेहरा ही तो बाहर रहता है, और क्या सब कुछ तो ढका रहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि ये चीजें करनी है तो पीहर में जाके करना, साल में एक महीने पीहर जाओ तब ये 100 करोड़ आजादी का मजा उठाना। और बहु नए जमाने की, उसको लगता है कि ससुराल भी घर है, उसमें सब मेहमान चले गए तो गाउन पहन लिया, नाइटी पहन ली। ननद जाके माँ को कहती है, देखो बहु रानी को अभी अभी आते आते ही दोनों सास बहु दोनों माँ बेटी चौंक गई, बहु ये क्या मेहता। और वो बड़े व्यंग से पूछती अपनी भाभी से, मीता रानी ये क्या पहन लिया आज। उसने बिल्कुल कूल होकर जवाब दिया कि दीदी नाइटी है, घर की ड्रेस है। तो बोली ये तुम, माँ ने तो कहा था कि, सास याद दिलाती है कि कहा तो था कि मेहमानों के रहने तक तुमको साड़ी पहननी है।
तो बोले हाँ मेहमान तो चले गए। तो वो कहती है उसकी ननद की, मैं कौन हूं फिर? तो कहती है, आप तो इसी घर की, आप मेहमान थोड़ी है। देखिए कौन लड़कियों को अपने घर की मानता है। कितनी सुंदर बात उसने कही थी। चाहे आप वीडियो देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स लड़के हो या लड़कियां हो, आप गौर कीजिए कि जिस घर में आपकी बहन और आप जन्मे हैं या आप और आपका भाई जन्मे हैं, उसी घर में विवाह के पहले उस लड़की ने सारी सांसें ली होगी, 20-22 साल की हुई होगी, लेकिन शादी के बाद वो जब आती है तो उसके लिए उस घर में एक अलमारी तो छोड़ो, एक अलमारी का एक खन भी नहीं है। वो अपना एक बैग लेके आती है, सूटकेस लेके आती है, कपड़े उसमें से निकाल के नहा लेगी, सुखाएगी, धो के समेट के उसी में रख देगी, उसके कपड़े, उसके बच्चों के कपड़े, उसका पूरा साम्राज्य उसे एक बैग तक रह जाता है जिस घर में कभी वो जन्मी थी। पराई होती है, जन्म के साथ ही बेटियां पराई होती है, अगले घर जाएंगी, ससुराल में वो किसी और के घर से आई है, एक तरीके से खाना बदोश असल में कोई है, स्थापित अगर असल में कोई है तो वो स्त्रियां हैं। यहां मीतू अपनी मैत्रेयी अपनी ननद को कह रही कि आप मेहमान थोड़ी, आप तो घर की है ना। तो सास फिर कथाकार ने देखिए कितना सुंदर अपने को बिल्कुल निष्पक्ष विवेचित किया है कि कोई और टाइम होता तो मैं इस जवाब पे बलिहारी जाती, कुर्बान हो जाती मैं कि मेरी बेटी को मेरी बहू इस घर की मान रही है, लेकिन आज बात कपड़ों की थी तो आज मुझे बुरा लगा कि मेरी बेटी को मेहमान नहीं मान रही। देखिए आदमी वक्त वक्त पे अपनी सोच बदलता रहता है। फिर वो बोलती है कि ऑफिस तो मैं साड़ी पहन के नहीं जा पाऊंगी, ऑफिस में बड़ी दिक्कत देती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ी यानी वो अपने साथ स्कूटी लाई थी। यहाँ फिर उसको एक बात खटकती है कि उसके बाप ने, लड़की के बाप ने देना था तो स्कूटर दे देता प्रिया, जो इसके पास पहले से है। उसके लड़के के मामा जी ने भी टोका तो लड़ता कहता है कि वो मेरी नहीं है, मीता की है, मीतू ऑफिस जाएगी उसके लिए, वो मेरे पास तो खुद की है ना। तो लालच देखिए आपके घर में लाखों करोड़ों हो लेकिन लड़की वालों से जितना मिल जाए कम है। वो सोचती है कि प्रिया तो शिव चला लेता और ये ले आती प्रिया तो दोनों बेटे बहू साथ ऑफिस चले जाते और फिर इसको सूट पहनने की भी इजाजत नहीं देनी पड़ती क्योंकि इसको चलाना नहीं पड़ता, साइड में पैर करके बैठ जाती, साड़ी में ऑफिस चली जाती। कितनी छोटी छोटी चीजों से हम अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं कि बेटा चला लेता है स्कूटर और बहू पीछे बैठ जाती, साड़ी ही पहन के बैठती। देखिए हमारी संस्कृति कितनी कितनी चीजों से तबाह होती है। घर के अंदर तमाम तरीके की बुराइयां रहेंगी लेकिन संस्कृति के रेशमी वस्त्र के नीचे हम सब बुराइयों को दबा देंगे। खैर कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस जाना हो जाता है। कुछ दिन बाद में ध्रुव को एक ऑफर मिलता है विदेश जाने का, तो नई नई शादी हुई है, माँ कहती है बहू को ले जाओ, वो कहता है नहीं, और बहू भी साफ मना करती है कि इनको तो खर्चा कंपनी देगी, मुझे थोड़ी ना कंपनी अपने खर्चे पर रखेगी, मेरे लिए अलग से खर्चा लगेगा। सास को भी डर लगता है कि नई नई लड़की है, बिना माँ की बच्ची है, कल को पीछे से कोई बात हो जाए साथ ले जाता या फिर अपने पिता के यहाँ रह लेगी। लेकिन तय ये होता है कि कुछ दिन घूमने फिरने के बाद में वो अपनी पत्नी को लौटने के कुछ दिन पहले 15 दिन वापस आने के बचेंगे तो वो अपनी पत्नी को बुला लेगा और घुमा फिरा के ले आएगा और ध्रुव चला जाता है। पीछे से इसकी भाभी भी अपने मायके चली जाती है तो ये पिता के पास चली जाती है, बीच बीच में संभालने आती रहती है। इसमें फिर ये दिखाया है कि वो अपने ससुर का इतना ख्याल रखती थी, पापा पापा पापा, ऑफिस से आते ही चाय लेके उनके साथ बैठना, अखबार साथ पढ़ना, कि जब वो चली गई तब महसूस होता है कि इस घर से क्या चला गया, वर्षों बाद इस घर में कोई रौनक आई थी। ध्रुव भी अपनी शिव भी इस कॉलेज पढ़ता है तो वापसी में लेट लेट आता है, भाभी के साथ मिलाता है, कभी देवर भाभी फिल्म दिखाते, कभी ध्रुव के पिता अपनी बहू से मिलने चले जाते हैं तो मैत्रेयी के पापा कहते हैं कि हमसे मिलने आप कभी नहीं आए, देखिए बच्चों के लिए आप मारे मारे फिरते हैं, बेटी बहू के लिए आप यहाँ आ गए। दोनों पति पत्नी जब लेटते हैं मैत्रेयी के सास ससुर, तो वो कह देती है कि आप अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं, कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया। यहाँ फिर एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है, आप सुनिएगा ध्यान से, वो कहता है कि तुमने अपने अनुशासन से बरी किया कभी उसको, कभी गले लगी वो मेरे, इतने कठोर अनुशासन में तुमने पाला कि हम बाप बेटी के बीच में तो एक भयानक दूरी थी। मैत्रेयी ने प्यार की भूख देखी थी,
मैत्रेयी की माँ नहीं थी, मैत्रेयी के पिता टूर पे रहते थे, मैत्रेयी हॉस्टल में पड़ी। एक यायावरी के बाद में उसको परिवार मिला था, तो वो खुले दिल से खाने के डब्बे टटोल लेती थी, पापा मम्मी करती रहती थी। और एक रूढ़िवादी परिवार में या सेट पैटर्न वाले परिवार में बहू ऐसी कहाँ होती है, दबी कुचली बैठी रहेगी। नहीं नहीं, बहुओं को तो हर चीज पूछनी होती है, धीमी आवाज में बोलना होता है, और ये तो चुलबुली बच्ची की तरह रहती थी। तो यही बात इसको चुभती है, सास को हर वक्त खटकती है कि ये क्या हुआ कि आते ही एकदम आधिपत्य जमा लिया। और ससुर से इतनी प्यार से बात करती, इतनी घुली घुली हुई है, कोई वो बेटी है इस घर की। तब वो अपने पति को कहती है कि अपनी बेटी से आपने इतना प्यार नहीं किया। तब वो जो कहते हैं सही कहते हैं, हमारे परिवारों में बाप और बेटी के बीच में, या बाप और बेटे के बीच में, माँ और बेटे के बीच में सबसे गहरा रिश्ता होने के बाद भी कितना फॉर्मल रिश्ता होता है, कितना औपचारिक रिश्ता होता है। मैंने नहीं देखा कि बेटा अपनी माँ के गले लग के बोल देता हूँ माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, या बेटी अपने बाप से गले मिल लेती हो। पता नहीं हम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं। मैं फिर से वही कथन दोहराऊंगी, टॉलस्टॉय, पिछली बार मैंने वोल्टेयर बता दिया था, टॉलस्टॉय ने कहा था कि आदर शब्द की उत्पत्ति तब हुई होगी जब प्यार शब्द खो गया होगा। जिनका हम आदर करते हैं ना, उनको प्यार भी करें जरूरी नहीं, लेकिन जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनका आदर हम जरूर करते हैं, चाहे उम्र में वो हमसे छोटे हो या बड़े। तो अपने माँ बाप के गले मिलना, उनको आई लव यू कह सकना, एक बहुत खूबसूरत एहसास है। खुशी होती है कि नए पेरेंट्स जो बने हैं, नए पापा बने हैं, नई मम्मी बनी है, वो अपने बच्चों में वो दूरी नहीं ला रहे हैं, वो उनको सिखा रहे हैं प्यार करना। पहले का हिसाब अलग था, बाप अपने बेटे को अपने बाप के सामने यानी बच्चे के दादा के सामने गोद में लेने में भी शर्माता था कि जैसे कोई अश्लील हरकत कर दी हो। प्रसव के समय विदेशों में तो पति को वहां रखा जाता पत्नी के पास कि वो उस अटैचमेंट को फील करे कि कितनी पीड़ा से गुजर कर, कैसे भयानक लेबर पेन से गुजर कर वो उस बच्चे को उस दुनिया में ला रही है जिसका वो डैडी कहलाएगा। एक नया नई बॉन्डिंग उनके बीच में बनती है। पेरेंट्स बनना जो खूबसूरत एहसास है, वो कितने दौर से गुजर के, दर्दनाक दौर से गुजर के होता है, उसको वो देखते हैं। और हमारे यहाँ महीने दो महीने तक सोहर में, मतलब जापा घर में जाने ही नहीं देते, तो वो अछूते रह जाते हैं उस बंधन से, उस तकलीफ से जो उसकी पत्नी ने गुजारा है। तो बहुत चीजें हमारे यहाँ छुपा के रखी जाती है। तो यहाँ पर वो एक पीड़ा व्यक्त होती है बाप की कि अपनी बेटी से वो दूर रहा, अपनी बेटी को प्यार नहीं कर पाया, गले नहीं लगा पाया। एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड फादर ये बात कहते हैं कि माँ ने इतने अनुशासन में रखा बाप बेटियों को सबको कि खिल करके खुल करके घर वाले कभी एक दूसरे के निकट आ नहीं पाए। फिर कहानी इस मोड़ में आगे बढ़ती है कि अचानक एक दिन रात को मैत्रेयी के ससुर का पेट दर्द होता है। वो अजवाइन की फांकी वगैरह देती है तो वो बताते हैं कि वो पेट दर्द नहीं है, दिन भर से वो वॉशरूम नहीं गए हैं, पेशाब नहीं किया है। सुनकर वो चकरा जाती है, माथा पीट लेती है, क्या हो गया दिन भर से, और अब बता रहे हैं। डॉक्टर आते हैं, दवाई देते हैं, और सुबह उनको एडमिट कराया जाता है। भागा दौड़ी शुरू होती है। अचानक से मैत्रेयी के फादर आते हैं हॉस्पिटल में और बोलते हैं कि आपने इतना गैर समझा, हमें बताया तक नहीं, बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है, बहुत चेकअप्स और जांचे। इसके बाद मैत्रेयी वहां आती है, चुपचाप सारा काम संभाल लेती है। मुझे लगता था कि एक ही बार में हम ये कहानी पूरी कर देंगे, नहीं, हमें एक और वीडियो इसके लिए बनाना पड़ेगा। मैत्रेयी ने आकर के कैसे मोर्चा संभाला, कैसे उसने अपने ससुर को ट्रीटमेंट दिलवाने में मदद करी, कैसे अपनी सास को पैनिक होने से बचाया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, हैव ए नाइस डे।